ये महाराष्ट्र में सेंट्रल में मिनिस्टर रहे, अनंत हेगड़े, इन्होंने फादर नेशन बापू जिन्होंने देश को आजाद कराया, उनको इन्होंने आखिरी दर्जे की गाली दी। इससे पता चलता है कि ये कितने बड़े राष्ट्रभक्त, देशभक्त या संविधान के कितने बड़े रक्षक हैं। तुमको ना मैंडेट मिला था 2014 में, 19 में मैंडेट मिला था। तुम पब्लिक को गुमराह कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हो तुम। तुम काम के नाम पे वोट नहीं मांगोगे। तुम्हारे एक भी चेहरा केजरीवाल का सामना नहीं कर सकता दिल्ली में। लोकसभा के चुनाव में इन्होंने पुलवामा अटैक करा दिया। अब पुलवामा अटैक करा के पूरी तरह से इन्होंने चुनाव को प्रभावित करने की खूब कोशिश की। चुनाव है तो दिल्ली के चुनाव में पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी ने झोंक दिया। ये इनका देवेंद्र सिंह दिल्ली आ रहा था, उससे कोई बड़ी आतंकी घटना घटाने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी थी। दिल्ली में केजरीवाल साहब का जवाब इनके पास नहीं है। केजरीवाल ने जो काम किया है, जो अपने इनके मुद्दे पर वहाँ इलेक्शन भाजपा लड़ नहीं सकती, वहाँ एक ही मुद्दा है हिंदू मुसलमान का, उसके लिए सबसे अच्छा मुद्दा मिल गया शाहीन बाग। झारखंड में बेइंतहा रैलियां की, और हैरत की बात ये जहां जहां उन्होंने रैलियां की वहां वहां झारखंड के आदिवासियों ने और झारखंड वासियों ने उनको जम के जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। हुकूमत के पास एक ही हथकंडा बचा हुआ है पोलराइजेशन का। दिल्ली का इलेक्शन हुकूमत हर कीमत पे जीतना चाहती है और उसके लिए वो वहां की आबादी को पोलराइज कर देना चाहती है। ठीक यही कुछ चाहिए, गोलियां चलवा ले प्रोटेस्ट होकर, चाहिए कुछ भी कर ले दिल्ली में, चुनाव तो ये नहीं जीतेंगे क्योंकि दिल्ली के लोग ऐसा नहीं करने देंगे। दिल्ली चुनाव की काफ़ी गहमा गहमी है। एक केजरीवाल को चुनाव हराने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत झोंक रही है और इन्हीं ताकतों के साथ साथ कुछ प्रचार भी किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल आतंकवाद हैं, झूठे हैं। और इन सबसे ऊपर बड़ी बात यह है कि NRC और शाहीन बाग जैसे मुद्दों को जनता में बांटने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुसलमान की राजनीति की जा रही है ताकि हिंदू और मुसलमान में दंगा हो और भारतीय जनता पार्टी इसका फ़ायदा उठा सके। इन्हीं सवालों के साथ मैं बात करूंगा, हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर बुलंद शाह जफर। आपको क्या लगता है कि BJP कितना नीचे गिर चुकी है, कितना नीचे गिरती जा रही है? भारतीय जनता पार्टी का ये कोई नया रिकॉर्ड नहीं है और कोई अचंभे की बात नहीं है। ये हमारे देश में दिल्ली से पहले अभी झारखंड का चुनाव हुआ, झारखंड में हर हथकंडा भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया और इस्तेमाल किया, किसी भी तरह से हम झारखंड के चुनाव को पोलराइज करके इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाए, लेकिन ये झारखंड में कामयाब नहीं हो सके। इसी तरह से ये मध्य प्रदेश में कामयाब नहीं हो सके, ये राजस्थान में कामयाब नहीं हो सके। लोकसभा के चुनाव में इन्होंने पुलवामा अटैक करा दिया। अब पुलवामा अटैक करा के पूरी तरह से इन्होंने चुनाव को प्रभावित करने की खूब कोशिश की। अब देखिए दिल्ली का चुनाव है तो दिल्ली के चुनाव में पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी ने झोंक दिया। ये देखिए अभी दिल्ली का चुनाव हो रहा, दिल्ली के चुनाव में जब इनको लगा कि दिल्ली का चुनाव हमारे पांव के नीचे से चटाई की तरह खींचा जा रहा, जैसे ही महसूस हुआ भारतीय जनता पार्टी को, तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने हर हथकंडा, हर ओछावर इन्होंने उसमें इस्तेमाल किया। इनके तमाम सेंट्रल मिनिस्टर्स और खुद होम मिनिस्टर, और अभी कल देखिए कि महाराष्ट्र में सेंट्रल में मिनिस्टर रहे अनंत हेगड़े, इन्होंने फादर नेशन बापू जिन्होंने देश को आजाद कराया, उनको इन्होंने आखिरी दर्जे की गाली दी। इससे पता चलता है कि ये कितने बड़े राष्ट्रभक्त, देशभक्त या संविधान के कितने बड़े रक्षक हैं। इन्हें शर्म भी नहीं आती, ये संविधान पर शपथ लेते हैं, संविधान की कसमें खाते हैं और फिर संविधान को पामाल करने का हर मुमकिन जतन कर डालते हैं। अभी देखिए इनका देवेंद्र सिंह वो दिल्ली आ रहा था, उससे कोई बड़ी आतंकी घटना घटाने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी थी। देवेंद्र सिंह ऐसे जो DSP के भेष में था, देशभक्ति के चूल्हे में था और बहुत बड़ा आतंक का सरगना था और वो कोई बड़ी आतंकी घटना घटाने के फिराक में था, उन्हें धर दबोचा तो इनके सारे मंसूबे पर पानी फिर गया। अगर ये चाहते हैं, अब ये चाह रहे हैं कि NCR, NPR और CAA पर हम किसी तरह से भरम में डाल के हिंदू को मुसलमानों से, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ा दें, लेकिन भारत में भारतीय जनता पार्टी देशभक्त को देशभक्त से लड़ाने की भारी गलती कर बैठी है जिसका खमियाजा इसे भुगतना ही पड़ेगा और इसमें ये कभी किसी हाल में भी कायर नहीं होगी।
अब हम एक और बात कहना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के उन तमाम दिल्ली वासियों से, आप किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को उसके तुष्ट राजनीति में कामयाब नहीं होने दें, भारतीय जनता पार्टी को उनके मंसूबे में कामयाब नहीं होने देंगे बल्कि खाक में मिला देंगे। जिस तरह गोलियां चलाई जा रही है कभी जामिया के छात्रों पर, कभी शाहीन बाग पर, और एक केजरीवाल को चुनाव हराने के लिए खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उनके 5-5 CM और कितने पूर्व मिनिस्टर, 12 सांसद आए हैं, फिर भी उन्हें ये क्यों जरूरत पड़ी है कि कभी वो गोली चलवा रहे हैं, शाहीन बाग का पूरा मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं? तो क्या ये पूरी कोशिश की जा रही है कि हिंदू मुस्लिम को बांटा जाए तब हम चुनाव जीत पाएंगे? हाँ, भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली के चुनाव में अपना पूरा लॉ लश्कर और मुख्यमंत्रियों की और कैबिनेट मंत्रियों की और खुद प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब उतरे हैं, ऐसा नहीं है। झारखंड में भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने 32 रैलियां किया था, हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब ने झारखंड में 39 रैलियां की थी और हैरत की बात यह कि जहां जहां उन्होंने रैलियां किया वहां वहां झारखंड के आदिवासियों ने और झारखंड वासियों ने उनको जम के जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। और दिल्ली की जो झारखंड की सत्ता पर 5 साल से विराजमान थी भारतीय जनता पार्टी, उनको अचानक बिल्कुल धीरे से उनके पांव के नीचे से सत्ता का सिंहासन खींच लिया। ठीक यही कुछ चाहिए, गोलियां चलवा लें प्रोटेस्टरों पर, चाहिए कुछ भी कर ले दिल्ली में, चुनाव तो ये नहीं जीतेंगे क्योंकि दिल्ली के लोग ऐसा नहीं करने देंगे। ये कामयाब नहीं हो सकते हैं दिल्ली में, किसी हाल में कामयाब नहीं हो सकते हैं। अगर ये चाहते आज ये देखिए शाहीन बाग पर बोलते हैं, गला फाड़ फाड़ के तमाम प्रोटेस्ट पर बोल रहे हैं, प्रदर्शन पे बोल रहे हैं, क्योंकि ये कैश कराना चाहते हैं, ये कैश कराना चाहते हैं इन प्रदर्शनों को, ये चाहते हैं। प्रदर्शनकारी रोज बोल रहे हैं चैनलों पे आके, प्रोटेस्टर्स बोल रहे हैं कि हमसे सरकार बात कर, लेकिन कभी इन्होंने धरातल पर ऐसा करने का कोई भी काम नहीं किया। ये अगर चाहते हैं शाहीन बाग में जाके सरकार का कोई बड़ा नुमाइंदा बात करता तो उसी के इंतजार में बैठे हैं, तो वो रुक जाते हैं, उनका प्रोटेस्ट खत्म हो जाता। लेकिन ये इस प्रोटेस्ट के जरिए दिल्ली के चुनाव को पोलराइज करना चाह रहे हैं, इस प्रोटेस्ट का डर दिखा दिखा के। लेकिन याद रखें कि हमारे देश के हिंदू भाई बहुत सिंसियर हैं और वो जानते हैं कि ये CA या NRC या NPR किसी एक वर्ग और समुदाय के लिए नहीं, ये तो भ्रम में डाल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं हिंदू भाइयों को। हमारे दर्शक देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आप आखिरी संदेश क्या देंगे इस हिंदू मुस्लिम के राजनीति से बचने के लिए जो युवा पीढ़ी है जिस तरह से गोलियां चला रहे हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हो, चाहे मुस्लिम वर्ग से हो या हिंदू वर्ग से हो, वो नेताओं के उकसावे में आ रहे हैं, तो उन्हें आखिरी संदेश क्या देंगे आप? हम इन्हें यही बोलेंगे कि बापू का देश है, गांधी जी के आदर्श पर चले, सरदार वल्लभ भाई पटेल के ख्वाब को और उनके सपने को शर्मिंदा नहीं होने दें, सुखदेव, राजभर, भगत सिंह शहीद की कुर्बानियों को और इनके बलिदान को ये जाय नहीं होने देंगे। भाई जिस शख्स की हिंदुस्तान में हुकूमत है, वो शख्स हजारों अफराद का कातिल है गुजरात में, उस शख्स से कैसे आप तवक्का करते हैं कि आप उसके खिलाफ आप आवाज उठाएंगे और उससे वो आप पे लाठी और गोली का इस्तेमाल नहीं करेंगे? इकदार के नशे में चूर है और पूरे मुल्क में जो इसने नफरत का माहौल फैलाया है उस पर इसको जरूरत से ज्यादा भरोसा है। हुकूमत के पास एक ही हथकंडा बचा हुआ है पोलराइजेशन का, दिल्ली का इलेक्शन हुकूमत हर कीमत पर जीतना चाहती है और उसके लिए वो वहां की आबादी को पोलराइज कर देना चाहती है। वो दिखाना चाहती है कि जो लोग धरने में बैठे हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हैं, इसलिए उनको प्रोवोक करना चाह रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम हर किस्म के प्रोवोकेशन से बचें और समझें कि हमको प्रोवोक करने के लिए कोशिश की जा रही है, तो हमें गांधी का रास्ता अपनाना है। जब हम किसी कोई तहरीक चला रहे हैं तो हम पे जुर्म सितम होगा, लेकिन गांधी का जो रास्ता था आदम तशद्दुद का, हमको उस आदम तशद्दुद के रास्ते को रस्सी को पकड़े रहना है मजबूती के साथ और हमें मुकाबला करना है, लेकिन खामोशी के साथ। हम लाठी का जवाब लाठी से नहीं देंगे, पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, हम गोली का जवाब गोली से नहीं देंगे, लेकिन हम अपने आज़म पर, अपने फैसले पर साबित कदमी से जमे रहेंगे, तो इंशाल्लाह हमारी जीत होगी, होकर रहेगी। गोलियां चल रही हैं, दिल्ली का इलेक्शन है, 8 दिन के बाद देखिए कितनी गोलियां चलती हैं वहां। तो उसको हिंदू मुसलमान का दिल्ली में केजरीवाल साहब का जवाब
जवाब इनके पास नहीं है। केजरीवाल ने जो काम किया है एजुकेशन में, जो काम किया हेल्थ में, जो काम किया उन्होंने औरतों के लिए, जो काम किया हुआ एजुकेशन में उन्होंने काम किया है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने बिजली पानी उसका डेवलपमेंट के मुद्दे पर, वहाँ इलेक्शन भाजपा लड़ नहीं सकती। वहाँ एक ही मुद्दा है हिंदू मुसलमान का, उसके लिए सबसे अच्छा मुद्दा उनको मिल गया शाहीन बाग। तो शाहीन बाग में चाहते हैं गोलियां चलाओ, इसी तरह से रिटेलिएट करें वहां पे बैठे हुए लोग, उसके बाद उसको एक एक कॉमनल रंग दें और उसके नाम पे ये इलेक्शन ले दिल्ली में। लेकिन दिल्ली की जहां तक मुझे समझ में आती है, दिल्ली की पब्लिक बहुत अवेयर है और ये सब चीज़ों में पड़ेगी नहीं। सरकार बोलती है कि 11 तारीख को दिल्ली में अगर भाजपा जीती तो 1 घंटे में शाहीन बाग प्रोटेस्ट खाली करवा देंगे। यहाँ पे सारे हमारे दोस्त हैं, सरकार सीधे कह रही है कि लाठीचार्ज करेगी सरकार महिलाओं पे, डूब मरो ना ये सरकार। तुम अगर सरकार नहीं चला सकते तो डूब मरो, डूब मरने से तुम बेहतर है कि अगर तुम सरकार नहीं चला पा रहे, तुमसे संभाल नहीं पा रहा गद्दी। तुमको ना मैंडेट मिला था 2014 में, 19 में मैंडेट मिला था, तुम पब्लिक को गुमराह कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हो तुम। तुम काम के नाम पे वोट नहीं मांगोगे, तुम्हारा एक भी चेहरा केजरीवाल का सामना नहीं कर सकता दिल्ली में। 18 स्टेट के मुख्यमंत्री उतारे हैं।